कि लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणपति आंदोलन या गणेशोत्सव का अभियान हमारे देश में क्यों चलाया, कैसे चलाया, उसका हमारे देश को क्या उपलब्धि हुई और आज हमारे देश में ये किस स्वरूप में स्थापित है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में गणेशोत्सव का सामाजिक रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्री लोकमान्य तिलक के बहुत प्रयासों के बाद हुआ। श्री लोकमान्य तिलक ने 1894 के साल में ये गणपति उत्सव का आयोजन शुरू किया। 1894 में श्री लोकमान्य तिलक ने इसको क्यों शुरू किया, कारण उसका क्या था, आधार उसका क्या था। हमारे जमाने में, हमारे देश में 1894 में अंग्रेजों की सरकार चलती थी और अंग्रेजों की सरकार ने भारत देश में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, वो ये कि भारतीय नागरिक एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था और वो कानून में भारत के नागरिक 5 की संख्या में अहिर नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते, एक साथ कहीं आ नहीं सकते। अगर कहीं पर ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी वो भारतीय नागरिकों को समूह में देखे तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी, जेल में डालती थी और उसके बाद उनके ऊपर भयंकर अत्याचार होता। और वो अत्याचार आप कल्पना नहीं कर सकते, कोड़े मारने से लेकर हाथ के नाखून खींच लेने तक का अत्याचार अंग्रेजों की पुलिस किया करती। अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं का कानून था, उन्हीं का नियम था। अदालत में जो जजेस होते थे वो भी अंग्रेज होते थे। अगर कोई भारतीय नागरिक अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो अदालत में वो शिकायत सुनी नहीं जाती थी क्योंकि जज अंग्रेज होता था। ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था। हमारे भारत देश में सन 1875 में एक महान व्यक्ति हुए थे, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। उन्होंने एक गीत लिखा था 1875 में, वो गीत का नाम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत को गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। भारतीय नागरिक यदि वंदे मातरम गीत गाएंगे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़ के बंद कर देगी, ऐसा कानून था। तो एक साथ हम एकत्रित नहीं आ सकते थे, कोई सामूहिक कार्य कर नहीं सकते थे, वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते थे। ऐसे कड़े प्रतिबंध हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए हुए थे और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था, स्वातंत्र आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता थे श्री तिलक। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिबंध थे, ये जो पाबंदी थी, इसको निरस्त करने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने ये तय किया कि अगर अंग्रेज सरकार 5 या 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करे और नागरिकों के मन में शक्ति आए, डर निकल जाए। अंग्रेजों की सरकार का जो भय है वो भारत के नागरिकों के मन से निकलना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेशोत्सव शुरू किया। 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपति उत्सव होता था, गणेशोत्सव होता था, लेकिन वो घरों में होता था, परिवार के अंदर होता था, परिवार के लोग मिलकर गणपति उत्सव मनाते थे। पहली बार श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में पुणे के शनिवारवाड़ा में पहले गणपति की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, पूना महाराष्ट्र में, वहां पर एक बड़ा स्थान है शनिवारवाड़ा। इस शनिवारवाड़े में पहले गणपति की स्थापना हुई थी 1894 में।
और वो स्थापना स्वयं श्री लोकमान्य तिलक ने अपने हाथों से की थी। और उस स्थापना में एक गणपति मंडल उन्होंने बनाया था, शनिवार वाला गणेश मंडल, वो भारत का सबसे पुराना गणेश मंडल है। तो उस गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकल्प कराया था कि हम ये गणेशोत्सव का पर्व 10 दिन तक मनाएंगे, अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन गणपति उत्सव को हम जरूर मनाएंगे। और ऐसे करके ये गणेशोत्सव की शुरुआत हमारे देश में हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ, 1894 का पहला जो गणेशोत्सव शनिवार वाड़ा में हुआ तो अंग्रेज पुलिस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जो गणेशोत्सव को मनाने वाले कार्यकर्ता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। कारण ये था कि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल है, राजनीतिक गतिविधि में अगर वो शामिल होते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में होते तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, लेकिन चूंकि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल थे इसलिए अंग्रेज पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे 10 दिन तक वो गणपति उत्सव चला। 1894 में 1894 में अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। श्री लोकमान्य तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहां पर आयोजित किया था, स्वयं श्री लोकमान्य तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे। एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था श्री विपिन चंद्र पाल। 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याख्यान में विपिन चंद्र पाल वहां आए। 21 अक्टूबर का दूसरा व्याख्यान हुआ तो उसमें श्री लोकमान्य तिलक ने उत्तर भारत के एक बड़े नेता को बुलाया, श्री लाला लाजपत राय, वो 21 अक्टूबर को आए। फिर तीसरे व्याख्यान में उन्होंने, आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुणे शहर में 3 महान क्रांतिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में, 3 भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांतिवीर के रूप में जन्म लिया, वो थे श्री चाफेकर बंधु। तो 23 अक्टूबर को व्याख्यान चाफेकर बंधुओं में जो सबसे अग्रज थे, बड़े थे, उनका हुआ। फिर 24 अक्टूबर को चाफेकर बंधुओं में दूसरे नंबर के जो उनके भाई थे उनका हुआ, एक श्री बालकृष्ण चाफेकर, एक दया कृष्ण चाफेकर, ऐसे करके तीनों चाफेकर बंधुओं का व्याख्यान हुआ। फिर उसके बाद श्री लोकमान्य तिलक ने मुंबई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, उनका एक व्याख्यान हुआ। और इस तरह से 10 दिन लगातार व्याख्यान माला चली, गणपति उत्सव हुआ, व्याख्यान माला चली। जितने भी वक्ता वहां पर व्याख्यान देने के लिए आए पहले गणपति उत्सव में, सबका जोर ये था कि भगवान गणेश हमारे देश को आजादी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज्य दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरकार समाप्त हो, सभी व्याख्याताओं ने इस तरह के विषय लिए थे। और जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे उनमें उन्होंने देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे व्याख्यानों के माध्यम से भरने का काम शुरू किया। परिणाम क्या हुआ, पुणे के लोगों में गणपति आयोजन के लिए उत्साह पैदा हुआ और 1894 में पहले गणपति की स्थापना पुणे में शनिवार वाड़ा में हुई। अगले वर्ष 1895 में पूरे पुणे में 11 गणपति मंडल बने एक ही वर्ष के बाद और 11 गणपति स्थापित हुए। उसके बाद 1896 में एक साथ 31 गणपति स्थापित हुए, 31। फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से ऊपर गणपति हो गए। फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पुणे से बाहर मुंबई में, पुणे से थोड़ा आगे जाकर अहमदनगर में, फिर पुणे के थोड़ा सा और आगे जाकर नागपुर में, पूरे विदर्भ में ये फैलता ही गया गणपति उत्सव का। और पुणे और पुणे के आजू बाजू के महाराष्ट्र के सारे बड़े शहरों में ये गणपति की स्थापना जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत देश के लोगों में चेतना भी बढ़ती गई। थोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में गणपति आ गए और गणेशोत्सव बहुत जोर शोर से मनाना शुरू हुआ। 1894
1904 में माने सन 1904 में पहली बार लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों को ये अपील किया कि हम गणेश उत्सव का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत का स्वराज्य प्राप्ति करना है, आजादी प्राप्त करना है। बिना आजादी के गणेश उत्सव का कोई अर्थ नहीं है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है। पहली बार लोगों ने श्री लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को और इस स्वप्न को बहुत गंभीरता से समझा।